नमस्कार दोस्तों, आज आपको दिखाने वाले हैं भाई 250 फीट लंबा ट्रक। तो भाई वीडियो को साथ के साथ शेयर कर देना और पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी कि इसके ऊपर 250 फीट लंबा ट्रक है तो इसके ऊपर क्या सामान लेकर जाते हैं, क्या कुछ है और ये 250 फीट लंबा क्यों है। चलाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 250 फीट लंबा हो गया। 250 फीट लंबा होने की वजह से ना बहुत मुश्किल है भाई। ये देखो ये ट्रक है और ये इसके ऊपर है वो पवन चक्की का जो फैन होता है उसको लद रखा है भाई। और अगर इस फैन की कीमत की बात करें तो ये लगभग 60 लाख प्लस का इसका प्राइस रहता है। और इसको 250 फीट लंबा कैसे कर रखा है ट्रक को, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे भाई। ये देखो ये इसके अंदर रहता है इस प्रकार से, है ना, ये ट्रक खुल जाते हैं पूरा। और ये देखो भाई इसकी लंबाई यार पीछे तक है, पूरा पीछे तक 250 फीट लंबा है भाई। ये देखो और इस प्रकार से इसका सिस्टम रहता है भाई, ये इस प्रकार से है। ये देखो इस प्रकार से नहीं है, खुल जाता है पूरा, जितने ज़रूरत होती है ना उतना खोलते हैं इसको। और ये देखो भाई प्रेशर की पाइपें वगैरह इसके अंदर लगी हुई है और पीछे से दिखाते हैं भाई। ये देखो वैसे ये घोड़ा बोलते हैं ना उस प्रकार से है, उस प्रकार से भाई जिसको हम घोड़ा बोलते हैं ना। ये देखो ये होगी इसकी बॉडी और ये देखो भाई और ये है भाई इसकी लंबाई। देखो यार पीछे से देखो आप, कहाँ से चल कर आ रहा हूँ मैं, अभी तक इसका एंड ही नहीं हुआ है। ये देखो चलते जाओ ये देखो भाई। और ये है ना पीछे से भी ऑपरेट होता है, ये देखो ये पीछे से भी ऑपरेट होता है पूरा का पूरा। ये दो जैक से लगे हुए हैं मुझे ना पूरा घूमता है। बाकी ड्राइवर भाई से बात करेंगे, एक और बाकी भाई से बात करेंगे और पूछेंगे कितने दिन लग जाते हैं, क्या कुछ सिस्टम रहता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, खाना बना रहे। खाना चल रहा है? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा गाड़ी चलाते हो आप? तो ये कितना फीट लंबा है? ये 59 मीटर का है। अच्छा और ये कहाँ पर जाएगा? कर्नाटक जाएगा, यहाँ से लोड हुआ है। यहाँ से लोड हुआ और कर्नाटक जाएगा जी। कितने के दिन लग जाएंगे? लगेंगे 10-12 दिन लग जाते हैं। और इसको चलाना ट्रक को मुश्किल है या आसान है? आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत बात नहीं। सारा आगे ड्राइवर चलाते हैं, पीछे हम लोग ऑपरेटर लोग चलाते हैं। अच्छा पीछे से और ऑपरेट होता है, ये बात है। और खाना खुना आपका इस पे रहता है? हाँ इसी पे रहता है। अच्छा। पर यहाँ होटल है नहीं तो इसी पे कर लेते, कहाँ भूख हो रही है। हाँ हाँ सही है, हम लोग अपना ऐसे बना के खाते हैं मिल बांट के। अच्छा अच्छा तो भाई ये थे भाई साहब और ये अपना खाना बना रहे थे। और एक ये भी भाई साहब है, कहाँ से हो भाई आप? हम मध्य प्रदेश एमपी से भी है। एमपी से हैं आप? भी ड्राइवरी करते हो या क्या? ड्राइवरी करते हो? ऑपरेटर भी करते हैं सर इस पे। अच्छा कंट्रोलिंग हमारे हाथ में रहती है। आपके हाथ में रहता है? जी हाँ जी। ये पूरा घूम जाता है क्या? ये घूमता है, ये पूरी कटिंग होती है इसकी, जैसे आगे की ड्राइवर कटिंग करता है अपने हिसाब से, हॉर्स की जो कटिंग होती है उसी हिसाब से इसकी भी कटिंग होती है। टर्निंग पे इसकी भी कटिंग करनी पड़ती है। अच्छा इसकी भी कटिंग करनी पड़ती है? और एक बार इसको फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ कटिंग करनी पड़ती है, जहाँ नहीं है तो इसको लॉक करके ऑटो में डाल के फिर अपने मैनुअल में चलाते हैं, तो अपने हाथ में कटिंग होती है, ऑटो में डाल देते हैं ऑटोमेटिक कटिंग होती है। ऑटोमेटिक कटिंग होती है। ये यहाँ पे जैक से लगे हुए, इनसे होती है क्या ये सारा? हाँ जो जैक लगे हुए हैं सिलेंडर है ये। अच्छा इन्हीं से कटिंग होती है। अच्छा ये अपना बैलून है, गुब्बारा, ये इसमें हवा भरती है, प्रेशर तो ये उठता है सस्पेंशन के लिए। अच्छा सस्पेंशन के लिए ये बात। और ये देखो भाई पीछे तक, और ये है भाई इसका एंड पॉइंट, ये देखो यहाँ तक है इसका एंड पॉइंट। और वो देखो भाई लंबाई यार कैमरे में देखो यार कितनी लंबाई लग रही है ना इसकी, बहुत ज़्यादा लंबाई है भाई इसकी। तो भाई दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर जितनी जानकारी थी ट्रक के बारे में वो सारी दे दी है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना है।